आई एम अ सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटर। आज हम कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह आप इसके थ्रू अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी प्रेजेंस बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो एक रेगुलर बिज़नेस मॉडल हम फॉलो करते हैं उसमें ये क्या होता है कि हमारे पास हमारे फ़िज़िकल ऑफिसेज़ हैं, हमारे फ़िज़िकल वर्क स्पेस है, लेकिन उसको किस तरह से आपने ऑनलाइन में शिफ्ट करना है ताकि आप सिर्फ अपने जिस फ़िज़िकल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक ही आपके ब्रांड की, आपके बिज़नेस की अवेयरनेस नहीं हो, इंस्टेड आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो जिसमें दुनिया में कहीं भी रहते हुए कोई भी आपकी बिज़नेस के बारे में जान सके। तो किस तरह से हमने अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी है, किस तरह से हमने उसकी मार्केटिंग करनी है। डेली बेसिस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बहुत सारी पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, डेली पोस्टिंग करते हैं, लेकिन हमें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है कि हमें किस तरह से हम अपने एड और क्रिएटिव पे हमें काम करना है, हम उनको किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इस कोर्स में हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरह से अपने पोस्टिंग पर वर्क कर सकते हैं, अपनी एड एंड क्रिएटिव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन अगेन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि दिस इज़ समथिंग ऑर्गेनिक, जो कि ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है, लेकिन इसको हम किस तरह से मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं वो हम मार्केटिंग में जाते हैं। मार्केटिंग में क्या है कि आपने आपकी एक ऑर्गेनिक सोशल मीडिया वो आपका एक मॉडल है जिसमें आप स्पेंड नहीं करते। आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो मॉडल है जिसमें आप स्पेंड कर रहे होते हैं। अब एक आपकी पोस्ट है, आपने उसको पोस्ट किया, आप उस तरह से आपकी इंगेजमेंट नहीं आई, वो उस तरह से लोगों तक नहीं आपकी पोस्ट पहुंची, लेकिन उसके साथ उसको आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं वो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सीखते हैं। अगर मैं आपको इस तरह से अभी थोड़ा सा इसके ये सैम्पल्स दिखाऊं तो ये डिफरेंट कैंपेन्स हैं जो रन की गई हैं एक अकाउंट पर। अब अगर हम इनके रिजल्ट्स पर बात करते हैं तो 700 डेली बजट, और इसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी उस तरह से रीच नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी प्रॉपर सीख कर मार्केटिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके रीच एंड इम्प्रेशंस लाइक 40,000 इम्प्रेशंस एंड रीच 24,000, देन ये डिफरेंट कैंपेन्स हैं। तो इसके थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, हम किस तरह से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन अपने काम के थ्रू उनको किस तरह से सेटिस्फाई करके अपना एडवोकेट बना सकते हैं। तो ये सब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखते हैं।